भाइयों बहनों, यहां के मेरे किसान भाई बहन, एक जमाना था आप कनौज से भी अच्छे इत्र की पैदावार करते थे, सब चला गया। मुझे दोबारा वो रौनक लानी है, मेरे किसानों की जिंदगी में एक नई ताकत पैदा करें। यहां जो सब्जी पैदा होती है, उत्तम प्रकार की सब्जी पैदा होती है, मां गंगा की कृपा से उसमें एक विशिष्ट स्वाद होता है। अगर उसको पहुंचाने का प्रबंध हो जाए, बिगड़ने से बचाने की, संभालने की व्यवस्था हो जाए, तो बंगाल और आसाम तक यहां की सब्जी खाने के लिए लोग लाएंगे। यहां के किसान को वो वहां से पैसा देने को तैयार है। हमने एक व्यवस्था की है पेरिसेबल गुड के लिए, जहां ये आप सुरक्षित अपनी पैदावार रख सकते हैं, बिगड़ने से बचा सकते हैं, और सही दाम मिलने पर आप उसको बाजार में बेच सकते हो। मेरे किसान का कोई शोषण न कर पाए, इसकी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को हमने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है, जिस फसल बीमा योजना के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसान बहुत ही मामूली पैसों से, मामूली चाय कॉफी का खर्चा निकाले उतने पैसों से वो अपना फसल बीमा ले सकता है, और बाकी जो रकम भरनी है वो सरकार भरेगी। और किसान अपनी पैदावार पे, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल बोई है, तैयार होने की तैयारी है, बारिश आ रही, ओले गिर रहे, तबाह हो गया, मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको इसका पैसा मिलेगा, इसकी बीमा योजना मिलेगा। इतना ही नहीं, आपकी फसल तैयार हो गई, कटाई हो गई, खेत में फेर पड़ा है, अभी ट्रैक्टर आना बाकी है, बाजार में जाना है, सब कुछ तैयार हो गया, और अचानक ओले गिर गए, अचानक बारिश आ गई, कटाई होने के बाद कोई देखने को तैयार नहीं होता था। हमने ऐसी फसल बीमा योजना लागू की है कि कटाई के बाद 15 दिन तक अगर खेत में उसका ढेर पड़ा है पैदावार का, और कोई नुकसान हो गया, तो भी मेरे किसान को बीमा का पैसा मिलेगा। ये काम इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, कभी कभार हम तय करते हैं कि भाई मई जून में बुआई करेंगे, बारिश आएगी, नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए, फिर 15 दिन इंतजार किया, बारिश नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए, फिर महीना इंतजार किया, बारिश नहीं आई, बुआई नहीं हुई। अब मुझे बताइए, जून जुलाई अगस्त तक बुआई नहीं होगी तो वो बेचारा किसान बुआई भी नहीं कर पाएगा, फसल पैदा होने का तो सवाल ही नहीं है, और फसल का बर्बाद होने का तो कारण ही नहीं है। किसान का खेत ऐसा ही सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे समय किसान क्या करेगा। पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना हम लाए हैं कि अगर प्राकृतिक कारण से किसान बुआई नहीं कर पाया, तो भी हिसाब लगा करके उसको फसल बीमा का पैसा दिया जाएगा, ताकि मेरे किसान को कभी मुसीबत झेलनी। भाइयों बहनों, ये सरकार गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है,
ये आप अपनाने लिखे नहीं। लेकिन धन कहां पड़ा है वो समस्या है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां ढेर लगे हैं। मुझे बताओ भाई बहनों, 2014 में 9 मई को मैं यहां आया था। मैंने आपको वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था? आपने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मुझे बताइए, आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं 500 रुपए की नोट बंद करता हूं, मैं 1000 की नोट बंद करता हूं, तो आपने जो काम कहा है वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आप मुझे बताइए भाई बहनों, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके ताली बजा करके लगती थी, हिंदी भी दिखती नहीं थी।
ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। ये किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? आप मुझे बताइए भाई, मैं एक एक घर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे बताइए? और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साल 1,500 दोनों को कागज की टिक्की मिला। मुझे बताइए इससे प्रधानमंत्री के हो गए नहीं हो गए भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए नहीं हो गए? कुछ लोगों को तकलीफ हो गई है, जो सामान्य ईमानदार नागरिक को हो उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए